झाबुआ से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकायुक्त टीम की छापेमारी, सहकारी संस्था के मैनेजर के ठिकानों पर छापा मारा गया है। वहीं मर्यादित सोसाइटी देवझरी के मैनेजर की यहां छापेमार कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमार कार्रवाई की गई है। चार अलग अलग ठिकानों पर छापेमार की जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो सहकारी संस्था के मैनेजर के ठिकानों पर छापा पड़ा है। मर्यादित सोसाइटी देवझरी के मैनेजर के यहां पर छापा मारा गया। जानकारी दे दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई और चार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। बड़ी और अहम जानकारी झाबुआ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील खरे जुड़ गए हैं। सुशील, चार अलग अलग ठिकानों पर सहकारी संस्था के जो मैनेजर हैं वहां पर कार्रवाई चल रही है, उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, क्या और जानकारी है? अंजलि, आपको बता दें कि इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि ये सहकारी संस्था के सोसाइटी मैनेजर नहीं है। झाबुआ में जो देवझरी है वहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग की जो सोसाइटी है उसके मैनेजर हैं भारत सिंह हाड़ा जी। भारत सिंह हाड़ा के पास में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी उज्जैन इंदौर लोकायुक्त में। इंदौर लोकायुक्त के एसपी ने एक टीम बनाई है जो चार जगह पे इन पे कार्रवाई अभी एक साथ में सुबह 6 बजे से जारी है जी। उसमें मालतोड़ी जो इनका पैतृक निवास है मालतोड़ी में और झाबुआ के मेघनगर में और झाबुआ में, इनके अलावा रतलाम जिले के रतलाम के शुभम श्री जो कॉलोनी है उसमें कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई रतलाम के जो टीम के मुखिया हैं डीएसपी संतोष सिंह भदौरिया है उनके साथ में प्रवीण बघेल और टीआई आशा से इसकरने लगभग 20 लाख रुपए इनके यहाँ जैसे कि दिखाया जा रहा है 20 लाख रुपए की नगद संपत्ति नगद जब्त किए हैं। 50 तोला इनके यहाँ से सोना चांदी जब्त किया है। इससे ऊपर 3 इनके मकान हैं, जमीनें हैं, 2 फोर व्हीलर गाड़ी है, 4 टू व्हीलर गाड़ी है इनके पास में। LIC की बहुत सारी पॉलिसी मिली है, बैंक की बैंक के अकाउंट मिले हैं, पासबुक मिली है, FDR मिली है। इसके अलावा और अन्य संपत्ति, हमें लगता है कि ये लगभग 50 करोड़ 20 से 50 करोड़ के आसपास का, जो पुलिस के सूत्र बताते हैं लोकायुक्त के, 50 करोड़ के आसपास का वो ये पूरी संपत्ति जाएगी। फिलहाल कितनी संपत्ति का खुलासा होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। इस तरह की जो भ्रष्टाचार लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं लोग रोकायुक्त की कार्रवाई से पकड़े जा रहे हैं और इस तरह की छापेमार कार्रवाई चल रही है। सुशील जी, बिल्कुल ये भी जानकारी दीजिए कि इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे अर्जित की गई, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ क्या इसमें और भी लोग शामिल थे, क्या उसकी भी जांच की जाएगी? बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस लोकायुक्त पुलिस ने जो बताया है कि इनकी 2 पत्नियां हैं और इनके 4 मकानों की जानकारी लगी है कि एक इनकी जो पत्नी है वो मध्य प्रदेश पुलिस में रतलाम में है और बाकी एक पत्नी की और जानकारी लगी है। शायद इनकी और संपत्तियां भी रहेंगी और कहीं ना कहीं एक बात और आपको बता दें कि आदिवासी कल्याण विभाग में अगर सोसाइटी मैनेजर है और अगर इस तरह की भ्रष्टाचारी की शिकायतें मिलती है, इतनी बड़ी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति इनके यहाँ मिलती है, तो स्वाभाविक है इनके साथ में इनके वरिष्ठ अधिकारी भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। अगर इनके पास इतनी इतनी व्यवस्थित कमाई हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके वरिष्ठ अधिकारी के पास में इनसे ज्यादा कमाई हुई है। पूरी चैन पकड़ना, पूरी चैन का खुलासा करना ही ये लोकायुक्त पुलिस का दायित्व है और बहुत जल्दी जिस प्रकार से लोकायुक्त के DSP बताते हैं SS भदौरिया, बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बिल्कुल, नजर आप बना के रखिएगा। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लोकायुक्त की जो टीम है वो छापामार की जो कार्रवाई है वो कर रही है। सहकारी संस्था के जो मैनेजर हैं उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है।